Hello students, today in this video we are going to read your lesson 9, I am Jose Hurd, part 2. Part 1 का video हम पहले जारी कर चुके हैं, आपको part 1 का video बहुत पसंद आया होगा, मुझे comment भी मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरा video देखते हैं, आप बहुत पसंद कर रहे हैं इस lessons को, आप सभी students का बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए अब हम start करते हैं part 2 का शेष भाग lesson 9 का. पिछले वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से जो ब्रेन है वो किन चीज़ों से बना होता है. ब्रेन एक ग्रे सफ़ेद और भूरे रंग के ग्लियल सेल्स टिश्यू ऊतकों से बना होता है और ब्रेन कहता है कि मैं खुद ही जो का ब्रेन मैं खुद हूँ. ब्रेन कहता है मैं ही सब कुछ हूँ. जो भी जो के अंदर उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी रिएक्शंस हैं, उसकी मानसिक क्षमता है, वो सब जो का मस्तिष्क कहता है मैं ही हूँ. ब्रेन सूचनाएं बाहर से ब्रेन में आती रहती हैं, उनसे वो कैसे निपटता है ये हमने बताया कि मस्तिष्क केवल उनको चुनता है, उन सूचनाओं को लेता है जो इम्पोर्टेंट हैं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको वो अनदेखा कर देता है. इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो गियर बदलने का काम करता है दिमाग. आपात परिस्थिति में वो प्रतिक्रिया देता है, वो अपने गियर बदल लेता है. जैसे हम भी कोई खतरनाक घटना आने पर संभावना जब हमको लगती है तो हम गियर बदल लेते हैं. कैसे वो पोषण लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में जब बढ़ जाती है उसको ऑक्सीजन चाहिए, परंतु जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक हो जाता है तो दिमाग क्या करता है, वो सीने की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा संकुचन और शैथिलीकरण को परिवर्तित करके वो सांस के गति को बढ़ाता है, मेंटेनेंस बनाए रखता है. और दिमाग को जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती है, उसको ब्लड नहीं मिलता है, ब्लड में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो वो भारी नुकसान उसको हो सकता है, लकवा हो सकता है, व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है. कि और कभी कभी जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में पहुंच जाता है तो डॉक्टर लोग उसके बिजली का करंट उसके दिमाग में लगाते हैं, जिसके द्वारा उसके अंदर यदि कोई डिप्रेशन की स्थिति आई है तो उसको सुधारा जा सकता है. और अलग अलग ब्रेन के पार्ट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट देने से, धारा प्रवाह देने से अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं. मस्तिष्क के अंदर जो मांस ब्लड रक्त मस्तिष्क की जो वाहिकाएं हैं वो बैरियर का काम करती हैं, द्वारपाल का काम करती हैं, कुछ चीज़ों को अंदर आने देती हैं, कुछ चीज़ों को अंदर जाने से रोक देती हैं. तो न्यूरॉन ब्रेन का सबसे प्रमुख पार्ट है. न्यूरॉन कैसा दिखता है, न्यूरॉन एक मतलब तंतु के जो स्पाइडर मकड़ी के समान दिखता है. मकड़ी न्यूरॉन की बॉडी होती है, तंतु एक्सॉन और जड़ों के समान दिखने वाले पैर डेंड्राइट होते हैं. पैर बगल के न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करते हैं और उसे बॉडी तक पहुंचाते हैं, फिर सिग्नल तंतु के द्वारा आगे भेजा जाता है और स्पार्क गैप तरीके से दूसरे न्यूरॉन पर पहुंचता है. न्यूरॉन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, स्पार्क गैप फैशन के द्वारा एक दूसरे से दूर रहते हैं. तो अब आगे इसमें हम पढ़ते हैं जानकारियाँ किस प्रकार से. अब तक हमने देखा ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी हैं. ये ब्रेन का आप देख सकते हैं उसकी बनावट है, इसके बारे में हम आगे इसमें अब पढ़ने वाले हैं. वो कहता है ब्रेन फॉर ऑल माई वर्सिटेलिटी I unfortunately never learned the wonders of reproduction. Skin, liver tissue, blood cells can be replaced after damage or loss. वो कहता है कि मेरे अंदर जो versatility है यानी जो बहुमुखी प्रतिभा है उसके बाद भी, यानी सब तरह के मैं काम करता हूँ सबके बाद भी, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से आई नेवर लर्न द वंडर्स ऑफ रिप्रोडक्शन. मैं कभी भी जो रिप्रोडक्शन का, यानी कोई चीज़ जब नष्ट हो जाए उसको द्वारा बन जाती है, जैसे हमारी खाल पर कभी चोट लग जाए, हमारी त्वचा छिल जाती है तो वो 4-6 दिन में द्वारा आ जाती है, तो वो रिप्रोडक्शन का काम ब्रेन कहता है मैं नहीं सीख पाया, वो अद्भुत विद्या को, चमत्कार को मैं नहीं सीख सका. स्किन हो, त्वचा हो, या लीवर टिश्यू हो, लीवर के जो ऊतक हो, टिश्यू हो,
या ब्लड सेल्स हों कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर डैमेज और लॉस, वो सभी नष्ट हो जाएं उसके बाद भी वो दोबारा बन सकते हैं, उनको प्रतिस्थापित किया जा सकता है। बट इफ़ आई लॉस वन ऑफ माई सेल्स इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, परंतु यदि मैं एक कोशिका सेल खो देता हूँ तो वो हमेशा के लिए खो जाती है, मैं गंवा देता हूँ। एंड बाई एज 35 जो वॉज लॉसिंग ओवर 1000 ऑफ माई नर्व सेल्स अ डे, और 35 वर्ष की आयु तक जो प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा नर्व कोशिकाएं गवा रहा था, यानी आम आदमी की उम्र जब बढ़ती जाती है तो उम्र के साथ में ब्लड ब्रेन्स की जो कोशिकाएं हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए वो बता रहे हैं कि 35 साल की उम्र में प्रतिदिन 1000 कोशिकाएं उसकी ख़त्म हो रही थी जो कि गवा रहा था वो। विद एज आई ऑल्सो लॉस वेट, आयु के साथ मेरा वजन भी कम होता जाता है, ब्रेन कहता है। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्व्स दीज थिंग्स माइट बी डिजास्टरस, परंतु मेरे अंदर मेरे पास खुद का प्रारक्षित पदार्थ नहीं होता तो यह खतरनाक हो सकता था। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्व्स, मेरे अंदर रिजर्व में कुछ तो रहता है, और यदि वो नहीं रहता तो बहुत खतरनाक हो सकता था। बट आई कंपनसेट, परंतु मैं कंपनसेट क्षतिपूर्ति करता रहता हूँ। लेट 1000 सेल्स डाई, 1000 कोशिकाओं को मरने दो। एंड 1000 अदर्स मे नेवर नोटिस द लॉस, तो दूसरी 1000 कोशिकाओं को इस नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, हम ये कह रहे हैं कि 1000 कोशिकाएं प्रतिदिन नष्ट होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जगह दूसरी कोशिकाएं पैदा होती हों, ठीक है ना, बल्कि ये है कि जो नष्ट हो गई उनसे दूसरी जो 1000 कोशिकाएं हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेन के काम चलते रहते हैं। बट इफ इनफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, परंतु पर्याप्त कुछ ज्यादा ही कोशिकाएं यदि काफी मात्रा में नुकसान हो जाए तो जो को फर्क पड़ेगा। हिज सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमिनिश, अब दिमाग की कोशिकाएं ज़्यादा मरने से ज़्यादा नष्ट होने से क्या होता है, क्या क्या नुकसान हमारे बॉडी को हो सकते हैं वो बता रहा है। वो कहता है कि यदि ज़्यादा नुकसान हो जाए तो उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो सकती है। हिज सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमिनिश, उसके सूंघने की शक्ति कम हो सकती है। हिज टेस्ट कुड बिकम लेस एक्यूट एंड हियरिंग फेड, उसके स्वाद की तीव्रता कम हो जाती है, उसकी सुनने की शक्ति कमजोर हो सकती है, फेड हो जाती है, सुनाई कम देता। आपने देखा उम्र के साथ में लोग बूढ़े होते जाते हैं तो बूढ़ों को ये कम सुनने की बीमारी होती जाती है, इसीलिए होती है क्योंकि उनकी ब्रेन की जो सेल्स हैं वो नष्ट होती जाती हैं, कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया है। जो माइट नोटिस हिज अटेंशन स्पान डिमिनिशिंग एंड ही माइट हैव मोर डिफिकल्टी रिमेंबरिंग नेम्स डेट्स टेलीफोन नंबर्स, और ये नुकसान होता है तो जो को अपनी इस शक्ति कम होती हुई लग सकती है, उसको पता चल जाता है कि मेरी शक्ति कम हो रही है। क्या कैसे पता लगता है, क्योंकि वो नाम भूल जाता है, तारीख भूल जाता है, टेलीफोन नंबर याद रखने में उसको परेशानी मालूम होती है कि वो याद नहीं रख पा रहा है। तो क्या कहते हैं कि जब कुछ चीज़ें याद नहीं रहें हमको भूल जाते हैं तो इसका तो दिमाग गया काम से, यानी कि दिमाग को नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार से सिग्नल हमको लग जाता है, एहसास हो जाता है कि हमारा अंदर नुकसान हो रहा है। बट आई विल टेक केयर ऑफ द रियली इम्पोर्टेंट जॉब्स टू द एंड, लेकिन मैं वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों का ध्यान अंत तक रखूँगा। जो नोज He has two kidneys, two lungs, two adrenals. जो जानता है कि उसके दो गुर्दे हैं, दो किडनी हैं, दो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, दो एड्रिनल्स हैं, अधिवृक्क हैं। He does not think of me as a paired organ. परंतु वो मेरे बारे में नहीं सोचता कि मैं भी पेयर्ड हूँ, मैं भी दो जोड़े वाला हूँ, पेयर्ड ऑर्गन हूँ, मेरे बारे में नहीं सोचता वो। But in a sense, I am.
परंतु एक प्रकार से मैं हूं दो पार्ट वाला. इन दैट आई हैव डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं भी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, मेरे अंदर भी बायां और दाहिना गोलार्ध रहता है. अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में. माय लेफ्ट हाफ कंट्रोल्स मच ऑफ द एक्टिविटी ऑन द राइट साइड ऑफ हिज बॉडी. अब देखिए महत्वपूर्ण बात, वो कहता है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो आधा भाग है दिमाग का, वो कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बॉडी की? राइट साइड वाली, यानी उल्टा है. बायां दाएं पार्ट को कंट्रोल करता है और दिमाग का दाया भाग शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है. तो जो मेरा बायां अर्ध भाग है वो शरीर के दाहिने भाग के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है. माय अदर हेमिस्फीयर द लेफ्ट, और मेरा दूसरा गोलार्ध बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है. विथ राइट हैंडेड प्यूपिल, अब दो लोग होते हैं दो प्रकार के, देखने होंगे आपने, एक राइट हैंडेड होते हैं एक लेफ्ट हैंडर होते हैं. क्रिकेट में आपने देखा कोई लेफ्ट हैंड से बैटिंग करता है, कोई राइट हैंड से करता है. तो वो कहते हैं विथ राइट हैंडेड प्यूपिल, जो राइट हैंडेड लोग होते हैं, राइट हैंड वाले, दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों का, द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट, उनका बायां गोलार्ध प्रबल होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर मजबूत होता है, डोमिनेंट होता है. और विद लेफ्टीज, और जो लेफ्टीज होते हैं, लेफ्टी जो लेफ्ट से काम करते हैं, द रिवर्स इज ट्रू, तो बिल्कुल उनका उल्टा है, यानी वो ज़्यादा पेटुक होते हैं, खाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. रिसेंट स्टडी सजेस्ट दैट माई लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स जोज एबिलिटी टू वॉक राइट एंड डू मैथमेटिक्स. आधुनिक अध्ययन सुझाते हैं, बताते हैं कि मेरा जो बायां गोलार्ध है लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो क्या क्या काम करता है. खोज बताती है कि वो चलने का काम, लिखने का, गणित के सवाल हल करने की क्षमता को नियंत्रित करता है लेफ्ट वाला. हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक फोटो जिसमें कि रीजन लॉजिक वाला काम लेफ्ट हेमिस्फीयर कर रहा है, उसका आधा पार्ट. तो माय राइट हेमिस्फीयर इज इसेंशियली म्यूट, उस समय मेरा जो राइट हेमिस्फीयर है वो मूक रहता है. बट कैन डू अदर थिंग्स, परंतु वो दूसरी काम, अन्य काम कर सकता है, सच एज मेक स्पेशल जजमेंट, जैसे कि स्थान विषय फैसले वो कर सकता है, स्थान का आकार, स्थान का साइज, ये सब चीजों का काम वो कर सकता है. नर्व कनेक्शंस जो तंत्र का संयोजन है वो सब ये काम कर सकता है. स्पीच में रिटर्न, यानी कि यदि ज़्यादा नुकसान हो जाए तो काफ़ी कुछ उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है और उसको टेलीफोन नंबर वगैरह याद नहीं रहते. महत्वपूर्ण कार्यों का वो ध्यान बात में वो बात कर रहा है. तो हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे. निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा स्किप हो गया है. सर्टेनली, हाँ ये पैराग्राफ है. सर्टेनली दो माय मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इज माय बैकअप सिस्टम, वो कहता है निश्चित रूप से मेरा अत्यधिक आश्चर्यजनक जो लक्षण है वो है मेरा सहायता या सहारा देने वाला तंत्र, माय बैकअप सिस्टम, जो मुझको सहयोग करता है. आई स्टोर ईच मेमोरी इन वेरियस प्लेसेस, मैं प्रत्येक जो मेमोरी है उसको कई स्थानों पर सुरक्षित रखता हूँ. आइदर द साइट ऑफ एन एप्पल ट्री और द साउंड ऑफ अ ब्रुक, सेब का एप्पल का पेड़ का दृश्य हो या कोई छोटी सी नदी झरने की आवाज़ हो. द सेम मेमोरी ऑफ ए स्पेशल स्पॉट इन वर्मोंट, वर्मोंट एक जगह है, प्राकृतिक जगह, वहाँ पर एक विशेष स्थान पर इस चीज़ को मैं प्रेरित कर सकती है. अतः दस इट इज पॉसिबल फॉर जो टू मैनेज क्वाइट नाइसली इवन विद पार्ट ऑफ मी डिस्ट्रॉयड, मेरे जबकि मेरा एक भाग नष्ट हो चुका है तब भी जो के लिए आसानी से सारी व्यवस्था करना संभव है. माय रिमेनिंग पार्ट मे रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू टेक ओवर जॉब्स स्टैंड्स टू इट, बट फ्रीक्वेंटली आई एम एबल टू सेट अप कंपेंसेटिंग नेटवर्क्स ऑफ नर्व कनेक्शंस. परंतु
मेरे बचे हुए भाग को जो काम उसके लिए अजीब है उसके तंत्रिका संयोजन से नेटवर्क स्थापित करने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन अक्सर मैं क्षतिपूर्ति करने के लिए तंत्रिका संयोजन जो नर्व कनेक्शंस हैं उनके नेटवर्क को स्थापित करने में मैं सक्षम हूँ। स्पीच में रिटर्न, बोलने की शक्ति वापस आ सकती है। लाइफ में कम बैक टू पैरालाइज्ड लिम्स। पक्षाघात, लकवा जब मारा जाता है तो वो अंगों को जीवन उनमें भी जीवन वापस आ सकता है। कोवेब्स क्लियर, मकड़ जाल साफ हो सकते हैं। तो दिमाग कहता है मेरे अंदर ये सारी क्षमताएं हैं कि मैं यदि नेटवर्क मेरा सही हो जाए, करंट डॉक्टर यदि सही लगा दे, तो यदि कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है नर्व कनेक्शन तो वो मेरी चीज़ें यदि मैं सुन नहीं सकता हूँ तो वो चीज़ मेरी शक्ति वापस आ सकती है, बोलने की शक्ति वापस आ सकती है। लकवा में कोई अंग मेरा बेकार हो गया है तो वो वापस आ सकता है। ये आपने फिल्मों में देखा होगा, कई बार चमत्कार होते हैं तो ऐसे चमत्कार के टाइम पर सब कुछ संभव है। तो वो दिमाग कहता है वो सब चीज़ें हो जाती हैं। द स्ट्राइकिंग एडेप्टेबिलिटी इज अ लकी थिंग। आश्चर्यजनक अनुकूलनशीलता भाग्यशाली है, एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता, क्योंकि फॉर डिस्पाइट माई एलेबोरेट प्रोटेक्शंस, क्योंकि मेरे विस्तृत बचाव के बावजूद आई एम प्रे टू एन एरे ऑफ ट्रबल, मैं कष्टों के एक प्रभावशाली समूह का शिकार हूँ। ट्यूमर्स कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ डिजास्टर्स। कभी कभी आपने देखा ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, लोग मर जाते हैं। तो ट्यूमर जो है यानी कुछ उसके अंदर विकृति आ जाती है दिमाग में, विकृत अभिवृद्धि बोलते हैं, कुछ साइज बढ़ जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। तो जो ट्यूमर है वो कई प्रकार के खतरे पैदा कर सकती है। फॉर्चुनेटली ट्यूमर रिमूवल व्हेन इट इज पॉसिबल, सौभाग्य से जो ट्यूमर है उसको निकाल सकते हैं जब भी संभव हो पूरी तरीके से, आजकल तो ये संभव है। When it is possible, is now almost completely safe and often results in dramatic recoveries. आजकल ये करीब करीब पूरी तरीके से सुरक्षित है ऑपरेशन करना ब्रेन ट्यूमर का, और अंत में नाटकीय रूप से पुनः प्राप्ति मैं कर लेता हूँ यानी रिकवरी अपनी कर लेता हूँ। स्ट्रोक इज अनदर मेजर प्रॉब्लम, दूसरी बड़ी समस्या है दिमाग कहता है मेरी, स्ट्रोक होना यानी पक्षाघात, यानी पक्षाघात स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ये बड़ी समस्या है। क्लॉट फॉर्म्स इन वन ऑफ माय स्मॉल ब्लड सेल्स और वन ऑफ माय स्मॉल आर्टरीज। अभी एक क्लॉट पक्षाघात स्ट्रोक कैसे होता है, मेरी एक छोटी सी रक्त नलिका में, छोटी सी ब्लड सेल्स में थक्का जम जाता है और एक छोटी सी धमनी कमजोर पड़ जाती है, यानी ब्लड वेसल्स में एक क्लॉट जम जाता है और कोई छोटी सी मेरी आर्टरी जो है धमनी वो कमजोर हो जाती है एंड बस्ट और फट जाती है। तब एंड पार्ट ऑफ माई ऑफ मी स्टार्व्स, और तब मेरा कुछ भाग भूख से मर जाता है, ठीक है ना। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सिस टू टोटल पैरालिसिस एंड डेथ। और रोग के लक्षण हो सकते हैं कि छोटी मोटी मानसिक चूक हो जाए या पूरी तरीके से लकवा मार जाए या मृत्यु भी हो सकती है। लिटिल कैन बी डन टू करेक्ट द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रोक इन सब केसेस। कुछ रोगियों के में स्ट्रोक के प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, मौत होती है उस स्थिति में। इन अदर्स रिहेबिलिटेशन इज पॉसिबल, और दूसरे जो मरीज हैं उनमें पुनर्वासन संभव है यानी उनमें कुछ जीवन प्राप्त हो सकता है, तो कुछ में संभव है। इट सक्सेस विल डिपेंड ऑन विच पार्ट एंड हाउ मच ऑफ मी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अब उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मेरा कौन सा भाग ब्रेन कहता है क्षतिग्रस्त हुआ है, कितना हुआ है और कौन सा भाग हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। तो ब्रेन स्ट्रोक जो है वो किस हिस्से में हुआ है, ये यदि संभव होगा तो आदमी जिंदा रह सकता है, नहीं संभव होगा तो आदमी मर भी सकता है। ए थर्ड एनिमी इज ब्रेन इंजरी, तीसरा वो दुश्मन बताता है कि मेरा दुश्मन है मस्तिष्क की चोट, ब्रेन इंजरी दिमाग में चोट। डिस्पाइट माई वॉटरी कुशन एंड फोर्ट्रेस स्कल आई कैन स्टिल बी स्लैम्ड अराउंड बाई ब्लोज एक्सीडेंट्स फॉल्स। मेरे पानी वाली गद्दी जो कुशन, मैंने आपको बताया कि स्कल खोपड़ी के नीचे पानी का फ्लड जो है उसमें जमा रहता है लिक्विड जिसमें कि ब्रेन तैरता रहता है,
वो जो गद्दी रहती है उसकी पानी वाली, और उस किले नुमा खोपड़ी के बावजूद मुझे जोरदार झटका दिया जा सकता है, ब्रेन को झटका हो सकता है, चोट उसको लग जाए, कुछ पत्थर ऊपर से गिर जाए, या कोई भी कारण हो सकता है, धक्के का एक्सीडेंट हो सकता है, वो गिर जाए, कई सीढ़ियों से गिर जाए, कहीं सड़क पर गिर जाए, ऐसा से उसको चोट लग सकती है दिमाग को। आई रिस्पॉन्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, तो मैं कई प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाता हूँ इस चोट की। आई मे स्वेल, मैं सूज सकता हूँ। आपके दिमाग में पत्थर लग गया तो कभी कभी तो चोट खून निकलता है, और नहीं लगता तो कभी कभी सूज जाता है, ठीक है ना, गूमर जैसा उठ जाता है उस वो भाग, जस्ट एज ए मैस्ड फिंगर डज, जैसे कि हमारी उंगली कहीं दब जाए, और दब जाने से उंगली सूज जाती है, ऐसे दिमाग भी ऊपर जो है वो ऊपर के हिस्से में सूजन आ जाती है। बट बिकॉज आई एम कन्फाइंड इन ए बोनी प्रिजन, परंतु वो कहता है मैं एक हड्डियों के कैद खाने में बंद हूँ, तो आई हैव नो रूम टू स्वेल। अब ब्रेन कहता है मेरे अंदर तो सूजने की स्थान नहीं होता, तो खोपड़ी के ऊपर जो है सूजन आ जाती है, दबाव पड़ता है उस पर, प्रेशर डेवलप्स, ब्रेन कहता है दबाव पड़ता है। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम ब्लैकआउट टू डेथ, और लक्षण ये होते हैं, सिम्टम ऐसे टाइम पे जब चोट लगती है तो आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और कभी कभी ज़्यादा खतरा हो तो मौत भी हो सकती है। आपने देखा हो चोट पर कोई जोर से मार दे कोई सिर पर, तो हमारे अंदर आगे आगे कभी आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चक्कर से आ जाते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा कुछ गिर गया तो फिर मौत हो जाती है। बट माई कम बैक पावर्स एज वी हैव सीन आर माइटी, परंतु मेरी जो पूर्व स्थिति हमने देखा उसमें वापस लौटने की जो शक्ति है कि मैं अपने आप को रिकवर कर लेता हूँ, मेरी जो कमबैक पावर है वो बहुत अधिक है और बहुत प्रबल है, जैसा कि हमने देखा। एंड माई स्टोरी इज बाई नो मीन्स ओवर, और अभी मेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। इफ माई अकॉम्प्लिशमेंट्स टू डेट लूम लार्ज, मेरी अब तक की जो प्राप्तियां हैं, दिमाग की जो प्राप्ति मेरे बारे में जो पता लगा है, भले ही अति महत्वपूर्ण दिखाई देती हों, स्पीच है जैसे बोलने की शक्ति, याददाश्त, मेमोरी, रीजनिंग एंड ऑल द अदर वंडर्स, और जो भी याददाश्त, तार्किकता, दूसरे सभी आश्चर्यजनक काम होते हैं, दे मे बी एज नथिंग कंपेयर टू वॉट लाइज अहेड, लेकिन जो आगे है उसकी तुलना में भी कुछ भी नहीं है, जो बचा है मेरे बारे में जानना वो उसके आगे ये सब बातें कुछ नहीं है। My resources have barely been tapped, मेरे स्रोतों को अभी मात्र छुआ गया है, मेरे बारे में बहुत टच के मात्र जानकारी अभी तक ली गई है। My potential is enormous, परंतु मेरी संभावित शक्ति बहुत अधिक है। For man a few hundred thousand years in the future, I may seem quite and primitive as Neanderthal man's brain seems today. भविष्य में कुछ लाखों वर्षों के बाद के मनुष्य आदमी को, जो लाखों वर्षों के बाद आदमी होगा, मनुष्य होगा, वो मैं उतना ही, ब्रेन कहता है मैं उसके लिए उसके लिए मैं उतना ही पुराना लगूंगा, आदमी जाति का लगूंगा, पुराने टाइम का लगूंगा, ब्रेन कहता है मैं उस आदमी के लिए जो लाखों साल बाद होगा, जितना कि नियंडरथल का मनुष्य आज लगता है, यानी कि पाषाण कालीन जो पुराने जो मनुष्य के बारे में बात करते हैं कि पहले बंदर था, मनुष्य था, आज हम सोचते हैं तो पुराना समझ करके, तो वो ब्रेन कहता है ऐसे ही लाखों वर्ष बाद का जो मनुष्य होगा वो आज के ब्रेन के बारे में जो जानकारी है वो तो आउटलाइन है केवल, परंतु उस समय तक बहुत कुछ मेरे बारे में लोग जान चुके होंगे। तो ये सब बातें ब्रेन ने बताई। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप टच करेंगे तो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ वाइट कलर में बदल जाएगा। इस तरीके से चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, बगल में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, इसको दबाने से तीन ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत वीडियो बनाते ही आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। हमारे इसी तरह के सारे वीडियो, ग्रामर के वीडियो, टेक्स्ट बुक के वीडियो आपको देखना है तो आप हमारी ये प्लेलिस्ट होती है इसको आप देखें, इस प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें टेक्स्ट बुक के, ग्रामर के, राइटिंग स्किल के, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस, सारे वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इसको दबाते ही। तो इस चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू।